Hello, good morning student. This is the unit number 2, masonry construction, and subject name is building construction and technology in semester 3 in civil engineering branch. Okay, so in this video lecture we will discuss about pointing. So what is the pointing? Pointing is the process of filling the masonry joints with the mortar of slightly richer mix. तो pointing है वो क्या है? वो process है जो मेसनरी जॉइंट्स में जो मेसनरी जॉइंट्स है उसमें जो फिलिंग करते हैं तो वो जो मोटर स्लाइटली रिचर मिक्स से जो फिलअप करते हैं तो उसे हम पॉइंटिंग बोलते हैं. इन एक्सपोज्ड मेसनरी द रेन वाटर में एंटर थ्रू द मोटर जॉइंट्स. सपोज इफ वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सपोज्ड मेसनरी, रेन वाटर एंटर विथ द थ्रू द मोटर जॉइंट्स. सो मोटर जॉइंट्स टू फिलिंग इन प्रॉपर वे. ओके, सो देयरफॉर द मोटर जॉइंट्स इन मेसनरी आर रेक्ड आउट टू अ डेप्थ ऑफ 13 mm एंड देन इट इज फिल्ड विथ रिच मोर्टार. दस द पॉइंटिंग प्रोटेक्ट्स द जॉइंट्स फ्रॉम द एंट्री ऑफ रेन एंड ऑल्सो इंक्रीज द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस with the difference between pattern of the joints, thickness, colors and texture. So in therefore mortar joints, if we have to talk about mortar joints in masonry with the rake out and depth will be considered as 13 mm and it is filled with and applied as well as filled with a rich mortar. And जो pointing है, pointing protects joints, वो जो entry of rain है उसको protect करता है. And also जो appearance of surface है वो different between pattern of the joint, thickness, colors and texture, वो pointing है, वो उससे वो helpful होता है. Okay, now we will discuss in detail preparation of surface. So in preparation of surface in case of a new work, the pointing is done while mortar joints are still given. All the joints are raked to a depth of 13 mm and are cleaned off by brush. The joints and the whole surface is well washed and weighted before pointing. In case of old work, the joints are raked and all loose mortar and dust are cleaned by using brush. The joints and the wall surface is well washed and wetted before pointing. So in preparation of surface, in case of a new work, the pointing, जो pointing वो होता हो जाएगा, तो pointing जब हो जाएगा, तो mortar joint से वो वहाँ पे पड़ा रहेगा एंड जो जॉइंट से वो रेक्ट करेंगे उसका जो डेप्थ होगा 13 mm का डेप्थ रखेंगे एंड जो उसको क्लीन ब्रश से क्लीन करेंगे. नाउ जॉइंट्स एंड द वॉल सरफेस वो हम वेल वॉश करेंगे एंड वेट बिफोर पेंटिंग है वो हम वेट करेंगे. अगर हम ओल्ड वर्क की बात करें, इन केस ऑफ ओल्ड वर्क जो जॉइंट्स है उसको हम रेक करेंगे एंड जो लूज मोटर है एंड डस्ट उसको हम क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड द जॉइंट्स एंड द वॉल सरफेस इज वेल वॉश्ड वेटेड बिफोर पॉइंटिंग. और पॉइंटिंग के पहले हम उसको अच्छे से वेट करेंगे और उसको धो डालेंगे. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग. ओके, सो इन टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज अ टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग में है प्लस पॉइंटिंग. सो इन प्लस पॉइंटिंग द मोर्टार इज प्रेस्ड इनटू द रेक जॉइंट्स एंड फिनिश्ड प्लस विद द एजेस ऑफ द ब्रिक्स और स्टोन्स. जो प्लस पॉइंटिंग है उसमें मोर्टार है उसको प्रेस करेंगे रेक जॉइंट्स में एंड फिनिश करेंगे द एज है उसका ब्रिक्स और स्टोन से. द एजेस आर देन नियरली ट्रिम्ड with a travel and straight edge. This is the simplest type of pointing and is extensively used as it does not provide any space for accumulation of dust, water, etc. तो जो फ्लश पॉइंटिंग में मोटर है उसको प्रेस्ट करेंगे रेक जॉइंट से एंड फिनिश करेंगे जो एज का एज है वो ब्रिक्स और स्टोन से उसको फिनिश करेंगे एंड जो एज है उसको हम नियरली ट्रिम्ड विद द ट्रैवल और स्ट्रेट एज की मदद से उसको हम ट्रिम करेंगे. एंड दिस फिगर इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पॉइंटिंग एंड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट वाटर एटसेट्रा. ओके, सो ये जो फिगर है ये फिगर है फ्लश पॉइंटिंग के बारे में. नाउ सेकंड वन इज अ स्ट्रक पॉइंटिंग. तो स्ट्रक पॉइंटिंग क्या है? इन स्ट्रक पॉइंटिंग द मोर्टार इज फर्स्ट प्रेस्ड
into the leg joints, and then of the joint is pressed in inclined manner by 3 to 6 mm with the pointing tool. This pointing drains of water easily. Okay, so stroke pointing है वो कुछ इस तरीके से उसकी figure है. और stroke pointing में हमने बोला कि इन stroke pointing में जो motor है उसको पहले हम pressed करेंगे with the rake joints, and उसके बाद क्या होगा कि joint है उसको pressed inclined manner में करेंगे 3 to 6 mm with the pointing tool की मदद से, and this pointing drains of water easily. Okay, now this is the figure of a plus pointing, and this second figure is a stroke pointing. Now third type is recessed pointing. तो recessed pointing में क्या है? तो recessed pointing की बात करें तो उसमें recessed pointing is done by pressing the mortar back from the edges by 5 mm or more. The face of the pointing is kept vertical by suitable tool. The pointing gives very good appearance. So जो recessed pointing की बात करें तो recessed pointing है वो कुछ इस टाइप्स का होगा, एंड recessed pointing से उसको डन करेंगे वो जो उसका मोटर बेक है उसको हम एज 5 mm और उससे ज़्यादा थिकनेस रखेंगे उसके एज का, एंड जो उसका फेस ऑफ द पॉइंटिंग है उसको हम वर्टिकल रखेंगे बाय सुटेबल टूल की मदद से, एंड जो द पॉइंटिंग और जो पॉइंटिंग है वो कैसा है तो कि वो अच्छे से वो वेरी गुड अपीयरेंस का होगा. ओके, नाउ फोर्थ टाइप इज वी ग्रूड पॉइंटिंग. सो इन वी ग्रूड पॉइंटिंग इज मेड बाय फॉर्मिंग वी शेप्ड ग्रूव इन द प्लस फिनिश्ड फेस विथ सुटेबल टूल. तो वी ग्रूड पॉइंटिंग है उसमें दिस टाइप ऑफ पेंटिंग इज मेड बाय फॉर्मिंग वी शेप्ड ग्रूव इन द प्लस फिनिश्ड फेस विथ सुटेबल टूल. और कुछ इस तरीके और इस टाइप्स की उसकी जो ये फिगर है वो वी ग्रूड पॉइंटिंग की होगी. तो इस तरीके से वी ग्रूड है उसको हम अप्लाई करेंगे. ओके, और इस तरीके से वी ग्रूड पॉइंटिंग होगा. नाउ दिस इज द फिगर ऑफ रिसेट पॉइंटिंग एंड दिस इज द फिगर ऑफ वी पॉइंटिंग. तो यहाँ पे ये वी पॉइंटिंग है और ये है रिसेट पॉइंटिंग. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज वेदर पॉइंटिंग. सो इन वेदर पॉइंटिंग की बात करें तो वेदर पॉइंटिंग क्या है? इन वेदर पॉइंटिंग दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग इज मेड बाय फॉर्मिंग अ प्रोजेक्शन ऑफ वी शेप्ड विथ सुटेबल टूल. तो जो इसमें क्या है कि जो इस टाइप्स का पॉइंटिंग है वो फॉर्मिंग होगा प्रोजेक्शन से ऑफ वी शेप से, एंड सुटेबल टूल का उसमें यूज किया गया होगा. नाउ उसके बाद वेदर पॉइंटिंग के बाद आता है रब्ड कीड एंड ग्रूड पॉइंटिंग. सो इन रब्ड कीड एंड ग्रूड पॉइंटिंग द मोर्टार इज प्रेस्ड इन टू द रेक जॉइंट्स एंड फिनिश्ड प्लस विथ द फेस ऑफ द बॉल, एंड देन अ ग्रूव इज फॉर्म्ड बाय पॉइंटिंग टूल. ओके, सो इन रब्ड कीड एंड ग्रूड पॉइंटिंग कुछ इस टाइप्स का होगा, एंड रब्ड कीड एंड ग्रूड पॉइंटिंग है वो जो मोटर है उसको हम प्रेस करेंगे रेक जॉइंट्स में, एंड फिनिश प्लस उसको करेंगे फेस ऑफ द वॉल, एंड देन उसको ग्रूव करेंगे फॉर्म बाय पॉइंटिंग टूल की मदद से. जो ये रब्ड कीड और ग्रूड पॉइंटिंग है कुछ इस तरीके से होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे टोटली रब्ड कीड एंड ग्रूड पॉइंटिंग है कुछ इस टाइप्स का होगा. सो इसको हम वेदर पॉइंटिंग बोलेंगे. ये वेदर पॉइंटिंग है और उसके बाद ये है कीड पॉइंटिंग. ओके, नाउ सेवंथ वन इज अ बिडेड पॉइंटिंग. सो बिडेड पॉइंटिंग में क्या है कि बिडेड पॉइंटिंग द मोटर इज प्रेस्ड इन टू द रेक जॉइंट्स एंड फिनिश्ड फ्लश्ड विथ फेस ऑफ द वॉल, एंड देन द बिडिंग इज फॉर्म्ड बाय सुटेबली शेप्ड टूल अलोंग द सेंट्रल लाइन ऑफ द जॉइंट्स. ओके, सो इन बिडेड पॉइंटिंग है वो कुछ इस तरीके से. यहाँ पे ओल्ड मोटर है उसके बाद क्या है गया कि पॉइंटिंग करेंगे और उसमें न्यू मोटर है वो एड हो जाएगा. सो इन बिडेड पॉइंटिंग द मोटर इज प्रेस्ड इन टू द रेक जॉइंट से उसको प्रेस करेंगे, एंड फिनिश्ड प्लस उसको फेस ऑफ द वॉल, एंड उसका जो बिडिंग है उसको फॉर्म होगा से सुटेबल शेप टूल से विद द सेंटर लाइन ऑफ द जॉइंट्स की मदद से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ टक पॉइंटिंग. So tuck pointing the mortar is first pressed in the rake joints and finished plus with the face of the wall, and then the top and bottom edges of the joints are cut parallel so as to have a uniformly raised bend about 6 mm high and 10 mm in width. Okay, so kuch is tarike se tuck pointing hai wo aata hai. Okay, so this is the figure of the grooved pointing and this is the figure of the tuck pointing, aur yahan pe lime putty lagayi gayi hai.
Okay, now we are moving forward on our next topic, and topic name is painting. So painting are the liquid compositions of pigments and organic binders when applied on timber, metal and plastered surface. On drying forms a thin film to provide a decorative finish and protection to the painted surface. So painting hai wo kya hai, liquid composition pigments ka hai and organic binders hai. When applied on timbers ke upar hum painting अप्लाइड करेंगे, मेटल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लास्टर सरफेस एंड ऑन ड्राइंग फॉर्म्स अ थिन फिल्म टू प्रोवाइड अ डेकोरेटिव फिनिश है उसमें प्रोवाइड करेंगे एंड उसको प्रोटेक्शन करेंगे पेंटेड सरफेस से. सो द पेंट मे प्रिजर्व वुडन स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट वार्पिंग, चेकिंग और डिके. पेंटिंग ऑन मेसनरी एंड कॉन्क्रीट सरफेस मे रेजिस्ट चेकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन विच इंक्रीज द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर. सो इन डिटेल टू टॉक अबाउट पेंटिंग. Painting is on masonry and applied on a masonry and concrete surface, and it may resist checking and disintegrations like and which jo painting hoga to kya hoga, jo life of structure hai wo increase karega. Painting on metal surface at suitable intervals may prevent the metal surface from corrosion. So in if we have to apply the painting on a metal surface for as regular or suitable intervals, and it may to prevent the metal surface from corrosion. Okay, so now next is the constitute of paint. So in constitute of paint, जो पेंट्स के जो उसके यानी कि उसके जो घटक है तो उसको पेंट के डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स है. लाइक इज टॉक अबाउट पेंट. फर्स्ट वन इज अ बेस, सेकंड वन इज कलरिंग पिगमेंट, थर्ड वन इज बाइंडर और व्हीकल, फोर्थ वन इज सॉल्वेंट और थिनर एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज अ ड्रायर. सो इन बेस, सो ए बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड यूज इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर. जो बेस है वो ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है और उसका यूज क्या है कि फॉर्म ऑफ पाउडर के रूप में यूज होता है. वो ऐड कर सकते हैं पेंट और उसको जो मेक वो फिल्म ऑफ कोटिंग वो पेंटेड सरफेस में उसको प्रोवाइड रेजिस्टेंस करेंगे टू एब्रेशन एंड वो जो प्रिवेंट श्रिंकेज क्रैक्स होगा. जो फोम होगा फिल्म ड्यूरिंग ड्राइंग तो उसको क्या होगा कि वो प्रोवाइड रेजिस्टेंस एब्रेशन है वो प्रोवाइड करेंगे. इन बेस द मटेरियल्स यूज्ड एज द बेस आर वाइट लीड, रेड लीड, जिंक ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड एंड टिटेनियम वाइट्स. सो बेस में ये सभी चीज है हम इसको इंक्लूड करेंगे. नाउ सेकंड वन इज अ कलरिंग पिगमेंट्स. इन कलरिंग पिगमेंट्स द कलरिंग पिगमेंट्स आर मिक्स्ड इन अ पेंट टू गेट द डिजायर्ड कलर ऑफ द पेंट. द वेरियस कलरिंग पिगमेंट्स आर एज फॉलोज: नेचुरल कलर्स, कैल्सनाइट कलर्स, प्रेसिपिटेट्स, लैक्स मेटल पाउडर्स. सो इन नेचुरल कलर्स ओकरेज, अम्बर्स, आयरन ऑक्साइड्स. इन कैल्सनाइट कलर्स कैल्सिनाइट कलर्स टेकन एज अ कार्बन ब्लैक, रेड लीड, इंडियन रेड, लैम्प ब्लैक आर ऑल्सो यूज इन कैल्सिनाइट कलर्स एंड प्रेसिपिटेट्स में पुर्सियन ब्लू, क्रोम ग्रीन, क्रोम येलो एंड लैक्स में प्रिपेयर्ड बाय डिसकलरिंग बेरेट्स और चाइना क्ले विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डाइस. इन मेटल पाउडर्स, पाउडर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक एटसेट्रा एंड कलरिंग पिगमेंट्स द डिजायर्ड शेड और टिंट ऑफ द पेंट मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सिंगल और कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस कलरिंग पिगमेंट्स सच एज ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, रेड, येलो. शेड ऑफ टिंट और पिगमेंट है उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स का यूज किया जाता है. नाउ थर्ड टाइप है, थर्ड कंस्टिट्यूट वो है बाइंडर और अ व्हीकल. सो बाइंडर और व्हीकल क्या है? बाइंडर इज अ लिक्विड, एक्ट एज अ बाइंडर एंड व्हीकल फॉर द वेरियस पिगमेंट्स आर यूज्ड. एंड जो व्हीकल है वो क्या होता है कि व्हीकल है वो मेक्स द पेंट्स इन लिक्विड स्टेट एंड वो जो हेल्प करता है उसको इनग्रेडियंट से उसको यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर पेंट करने के लिए स्प्रेड करने में बाइंडर और व्हीकल है वो यूज होता है. एंड जो बाइंडर और व्हीकल का दिस फॉर्म से वो इलास्टिक और इम्परमेबल फिल्म में ड्राइंग कंडीशन में होता है. नाउ फोर्थ वन इज अ सॉल्वेंट और थिनर. सॉल्वेंट और थिनर की बात करें तो क्या है कि सॉल्वेंट इट इज अ लिक्विड एडेड टू द पेंट टू मेक इट थिन सो दैट इट कैन बी इजिली अप्लाइड ऑन द सरफेस एंड evaporates after painting. जो solvent है वो liquid added करते हैं paint में और वो क्या है कि उसको जो paint है उसको thin बनाने के लिए.
थिन क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई थिन जो अगर उसका लेयर थिन हो जाएगा तो वो इजीली अप्लाइड कर सकते हैं अबाउट द सरफेस एंड इवापोरेट्स आफ्टर पेंटिंग के आफ्टर वो इवापोरेट्स हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स सॉल्वेंट है वो प्रोवाइड्स ब्रशेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्मूथनेस और इजी फ्लो पेंट में हो सकता है। सॉल्वेंट में कॉमनली यूज होता है सॉल्वेंट और थिनर टर्पेंटाइन प्योर ऑयल पेट्रोलियम स्पिरिट एंड हाईली सॉल्वेंट नेप्था में उसका सॉल्वेंट का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द कंस्टिट्यूट ऑफ पेंट इन ड्रायर। सो इन ड्रायर दीज आर द मेटालिक कंपाउंड्स यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर एक्सेलरेटिंग द ड्राइंग ऑफ पेंट फिल्म एंड बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड transferring it to the vehicle or binder used in the paint. The commonly used dryers are litharge, lead acetate, manganese dioxide and cobalt ka use dryer mein hota hai. So dryer hai usko use karte hai oil paint or oil paint wo should not be more than 10% by volume. If it is used in excess it will destroy the elasticity of the paint which finally leads to its flaking. Okay, so if we have to talk about characteristics of एंड उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड और आइडियल पेंट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल पेंट में क्या है कि भाई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होनी चाहिए। तो जो आइडियल पेंट है वो प्रॉपरली सरफेस उसका होना चाहिए और पोरस सबस्ट्रेट है उसको अच्छे से सील कर देना चाहिए। नाउ सेकंड वन इज एडिक्यूट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और डेकोरेशन सरफेस का भी अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी रेडीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल टू यूज। फोर्थ वन इज इट शुड हैव इजी वर्केबिलिटी सो एज टू कवर द सरफेस एरिया वेरी क्विकली। फिफ्थ वन इज इट शुड ड्राई रेपिडली। सिक्स्थ वन इज इट शुड बी एबल टू विदस्टैंड अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लूजिंग ग्लॉस। ओके नाउ सेवन्थ पॉइंट इज इट शुड नॉट पजेस क्रैक्स फ्लेक्स ऑन ड्राइंग। एट वन इज इट्स कलर शुड बी स्टेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेंट की। तो टाइप्स ऑफ पेंट में जनरली कितने टाइप्स के हैं तो जनरली 14 टाइप्स के पेंट से वो उसका यूज होता है। उसका वन बाय वन नंबर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम पेंट्स, सेकंड वन एंटी कोरोसिव पेंट्स, थर्ड वन एस्बेस्टोस पेंट्स, फोर्थ वन इज बिट्यूमिनस पेंट्स, फिफ्थ वन ब्रोंज पेंट्स, सिक्स्थ वन सेल्युलोज पेंट्स, सेवन्थ वन केसिन पेंट्स, 8th one cement based paints, 9th one emulsion paints, 10th oil paints, उसके बाद enamel paints, oil paints, उसके बाद आता है plastic paints and synthetic rubber paints और silicate paints। ये different types of paints है जिसका use हम paints में करते हैं। Now बात करें defects in painting की, तो painting में कौन कौन सी defects है वो देखने को मिलती है। Okay, so in defects in painting की बात करें सो डिफेक्ट्स इन पेंटिंग में ब्लिस्टरिंग है, फ्लेकिंग है, फेडिंग, फ्लैशिंग, ब्लूम, ग्रीनिंग, क्राउलिंग और सेगिंग, रनिंग एंड स्पोनिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज ब्लिस्टरिंग। सो इन ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग में अकर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बिलो द फिल्म ऑफ पेंट। जो बिलो फिल्म ऑफ पेंट के बिलो में क्या है जो बबल्स प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। एंड द बबल्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर्स ट्रैप्ड बिलो द पेंटेड सरफेस। वेन एवर द बबल्स है वो फॉर्म्ड होते हैं वाटर वेपर से तो क्या होगा कि वाटर वेपर से वो ट्रैप हो जाता है पेंटेड सरफेस के इनसाइड भाग में। नाउ सेकंड वन इज द फ्लेकिंग। ड्यू टू द पुअर एडहेजन ऑफ द पेंट विद सरफेस द डिसलोकेशन और लूजनिंग ऑफ सम पोर्शन of the painted surface may occur. Third one, fading. Fading is the gradual loss of color of paint due to the effect of sunlight on pigments of paint. So fading की बात करें तो fading क्या है? Fading is the gradual loss of color of paint का है और जो due to the effect of sunlight है उसको pigments और paint में उसका जो उसको fading कहते हैं। Now fourth one is a flashing. So in flashing, flashing is the formation of glossy patches on the painted surface resulting from bad workmanship or weather action or due to the use of cheap paint ka use usme hota hai. Now fifth one is bloom. Bloom, in this defect the dull patches are formed
on the finished polished surface, and this may be due to the defect in the paint or due to the bad ventilation. So bloom mein kya hai ki bloom hai wo in this defect the dull patches are formed on the finished polished surface, and this may be due to the defect in the paint or due to the bad ventilation. Uske baad hai greening. Greening is caused when the final coat does not have sufficient capacity so that background is clearly seen. So greening hai wo greening kyun kiya jata hai, kyunki greening hai wo kya hai ki greening hai wo when the jo final coat hai wo sufficient capacity uski nahi hogi to jo uska background hai wo clearly acche se so that background is clear to uska background acche se dikhai deta hai. सफिशियंट कैपेसिटी नहीं होगी तो उसका बैकग्राउंड है वो अच्छे से दिखाई दे सकता है, तो उसको ग्रीनिंग बोलते हैं. उसके बाद है क्राउलिंग और सेगिंग. सो क्राउलिंग और सेगिंग में दिस डिफेक्ट्स अकर्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ टू थिक पेंट. अगर जो पेंट है वो उसका जो लेयर वो बहुत ही कम उसकी थिकनेस होगी तो एट द टाइम जो डिफेक्ट अकर होगी तो उसको हम क्राउलिंग और सेगिंग बोल सकते हैं. उसके बाद है रनिंग. रनिंग में दिस डिफेक्ट्स अकर्स व्हेन द सरफेस टू बी पेंटेड इज टू स्मूथ. जब सरफेस पेंट है उसको टू स्मूद यानी कि बहुत ज्यादा स्मूद होगा तो एट दैट टाइम उसको रनिंग, एंड ड्यू टू दिस द पेंट रन्स बैक एंड लीव्स स्मॉल एरियाज ऑफ द सरफेस अनकवर्ड. तो एट दैट टाइम क्या होगा कि जो पेंट है वो रन्स बैक हो जाएगा एंड लीव्स जो स्मॉल एरिया वो लीव हो जाएगा ऑफ द सरफेस अनकवर्ड. स्पोनिफिकेशन. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ अल्कलीज. सो स्पोनिफिकेशन में क्या है कि स्पोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ जो सोप पेच होगा पेंटेड सरफेस पे, किसके हिसाब से उसमें जो केमिकल एक्शन ऑफ अल्कलीज होगा तो उसके हिसाब से जो फॉर्मेशन ऑफ सोप पेच है वो पेंटेड सरफेस के ऊपर उसका डिफेक्ट वो दिख सकता है. तो इस तरीके से डिफेक्ट्स इन पेंटिंग में ब्लिस्टरिंग आता है, फ्लेकिंग आता है, फेडिंग आता है, फ्लेशिंग आता है, ब्लूम, ग्रीनिंग, क्राउलिंग और सेगिंग, रनिंग और स्पोनिफिकेशन आता है. तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में पॉइंटिंग और पेंटिंग देखा. ओके, तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पे ओवर करते हैं. थैंक यू.